अच्छा जी, तो हम इस बोरिंग से चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो है हमारे पास एंड्रोजन। और एंड्रोजन में मेल सेक्स हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन। होता क्या असल में, प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये डिफरेंट पाथवेज के थ्रू, आपको पता है हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, होते होते ये कन्वर्ट होता है किसमें, डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होता है, डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में। ये जो डायहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर किसमें, टेस्टोस्टेरोन में। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये प्लाज्मा के अंदर क्या करता है, बाइंडेड रहता है, ठीक है। किसके साथ बाइंड करता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है, उसके साथ बाइंड करता है और ट्रेवल करता है। अभी सिंथेसिस वो कहां रही होती है, सबसे ज्यादा ये टेस्टीज में हो रही होती है मेल की, ठीक है। टेस्टीज के अलावा ये एड्रीनल ग्लैंड में भी होती है, और समहाउ इसकी थोड़ी सी अमाउंट ओवरी में भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ओवरी में वो ऐसा इतनी ज्यादा नहीं होती कि कोई इफेक्ट कॉज करे। बहरहाल ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जो है वो बाइंड करता है प्लाज्मा में और ट्रेवल करता है, ठीक है। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये फर्दर कहता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, और ये एक्टिव फॉर्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये तो आपको पता है, अभी हम आगे भी बात करते हैं। दूसरी बात कहता है कि इसकी अगर हम क्या करें, सिंथेटिकली इसको ओरल दें, तो ओरली इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाता है इसके ऊपर। इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में, या फिर ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, कौन से इफेक्ट्स होते हैं, या फिर ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो काम ये इस तरह से करता है कि जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जो है अपनी फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के साथ में कन्वर्ट होने के बाद कहता है ये सेल के अंदर साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन साइटोसोलिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। साइटोसोलिक रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये न्यूक्लियस में जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जीन की ट्रांसक्रिप्शन करता है, और जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ऑल्टर करके बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनाता है, जो आपको फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बना के बहुत सारे फंक्शंस करता है, एनाबॉलिक फंक्शन भी करता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी करता है। सो टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल फंक्शन क्या है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फंक्शन की, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेल की डेवलपमेंट के लिए। जब मेल फीटस बन रहा होता है, तो उसमें टेस्टीज की प्रोडक्शन के लिए, या फिर गाइड करने के लिए डेवलपमेंटल प्रोसेस को टूवर्ड मेल फीटस जो है वो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है फीटस, मेल फीटस डेवलपमेंट के लिए। सेकंड बात ये है कि ये मेजर ऑर्गन, मेजर हार्मोन है जो मेल की प्यूबर्टी को लाइक गाइड करता है, या डिसाइड करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो मेल जो है वो प्यूबर्टी पे रीच भी नहीं कर सकेगा, और बहुत सारे मसले होंगे। अब मेजर जो इसके प्यूबर्टी रिलेटेड फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, तो ये आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके साइज को बहुत ज्यादा इन्हांस करता है, लाइक पेनिस के साइज वगैरह को। उसके अलावा कहता है कि ये लैरिंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, और जो आवाज होती है, भारी आवाज जो मर्दों की होती है, वो इसी वजह से होती है। और अगर ये औरतों में ज्यादा हो जाए, तो उनकी आवाज भी डीपेंड हो जाती है। उसके अलावा फेशियल करेक्टरिस्टिक्स को भी ऑल्टर करता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद ये प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ जो होती है, वो भी इसी की वजह से हो रही होती है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये एक्सिलरी हेयर्स वगैरह की डेवलपमेंट भी करता है, स्किन की डार्कनिंग वगैरह भी करता है, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल मेल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेल बाल्डनेस में इसका बड़ा रोल होता है, जो लोग गंजे नहीं हो जाते सर के दरमियान से, जो लड़के या अंकल वगैरह गंजे हो जाते हैं, उसमें भी इसका ही रोल होता है। एंड देन ये हमारे पास सिर्फ ना सिर्फ इसके मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि उनमें सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये इंड्यूस कराता है आफ्टर प्यूबर्टी, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को ये कंट्रोल करता है, हेयर सुडिज जो है इसका एडवर्स साइड इफेक्ट है, लेकिन फेशियल हेयर की और जो भी मेल के रीजन्स में, एक्सिलरी रीजन में, प्यूबिक रीजन में हेयर की ग्रोथ है, वो भी ये कराता है, और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके साइज को भी आफ्टर प्यूबर्टी इंक्रीज करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके बहुत सारे एनाबॉलिक रोल भी हैं। एनाबॉलिक रोल जो है वो आपने फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन हमें पता है कि क्या करता है, मसल के साइज को इंक्रीज करता है। इसीलिए एथलीट्स वगैरह इसको यूज करते हैं, मस्कुलर साइज को, स्ट्रेंथ वगैरह को, साइज और मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि ये आरबीसी के नंबर्स को भी ज्यादा करता है, एनीमिया में भी दिया जा सकता है, और बोन की डेंसिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, बोन की डेंसिटी को भी मेंटेन करता है। ये प्रोडक्टिव रोल इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, कि अगर हमें सिंथेटिकली ये एग्निस्ट के तौर पे देना है, तो जाहिर है अगर हाइपोगोनाडिज्म है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देंगे हाइपोगोनाडिज्म के केस में, अगर किसी के गोनाड्स में ये बन ही नहीं रहा, तो ताकि ये वहां पर बने। दूसरी बात है कि अगर किसी को अनीमिया है, तो भी हम देंगे इसको, ताकि वहां पर ये आरबीसी के लेवल्स को बढ़ाए। उसके अलावा अगर एड्स है और बहुत ज्यादा मसल वेस्टिंग हो गई है, तो क्योंकि ये मसल के साइज और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो एड्स में अगर बहुत ज्यादा मसल वेस्टिंग हुई भी है, तो भी टेस्टोस्टेरोन दिया जा सकता है। और एथलीट्स जो हैं, वो इसके एग्निस्ट लेते हैं, या सिंथेटिकली टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, ताकि वो मसल को, स्ट्रेंथ को, और बोन की डेंसिटी वगैरह को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब अगर हम इसकी टॉक्सिसिटीज की बात करें, तो वो तो आप लोगों को खुद ही बताएं कि अगर फीमेल्स ये ज्यादा लेंगी, तो उनमें सारे मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, एक तो बॉडी के डिफरेंट रीजन पे, चेस्ट रीजन पे, लेग्स वगैरह पे ज्यादा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा
उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा डीपेंड हो जाएगी, क्योंकि लैरिंग्स पे फर्क पड़ेगा, डीपेंड हो जाएगी वॉइस, एंड देन क्लिटोरिस की इनलार्जमेंट और जो भी मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगा, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. सेम एज अगर मेल में ये एक्सेस होगा तो भी अच्छा नहीं है. मेल के में एक्सेस होने की वजह से कहते हैं कि ये टेस्टिक्यूलर की एट्रोपी स्टार्ट कर देगा या श्रिंकेज स्टार्ट कर देगा, इनफर्टिलिटी वगैरह कॉज करेगा. बहुत हाई कंसेंट्रेशन में आपने दे दिया है तो सिस्टेमिकली इसकी वजह से कॉलिसिस्टिक जॉन्डिस हो सकता है, लिवर एंजाइम्स एलिविएट हो जाएंगे और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है. तो ये इसके हमारे पास नॉर्मल काम है, ये इसके यूजेस हैं और ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं. अब हम बात करेंगे एंटी एंड्रोजन थेरेपी की, कि कब हमने इसको एंटी फॉर्म में देना है, एंटागनिस्ट फॉर्म में देना है, और एंटागनिस्ट फॉर्म में दे के हमने क्या करना है बॉडी में इसके फंक्शंस को या इसके लेवल्स को अपोज करना है. तो अगेन वही वाली बात है, जैसे हमने पीछे देखा था कि रिसेप्टर एंटेगनिस्ट भी होते हैं, सिंथेसिस इनहिबिटर भी होते हैं और कुछ अदर भी होते हैं. तो सेम एज जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लिए भी हमने जो एंटेगनिस्ट देने हैं वो तो तीन तरह से हम दे सकते हैं. क्या दो तीन तरह से दे सकते हैं? एक तो हम क्या देंगे, रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दे देंगे, दूसरा हम कुछ ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि इसकी सिंथेसिस को जाकर इनहिबिट कर देंगी, सो सिंथेसिस इनहिबिटर भी दे सकते हैं. उसके अलावा हम कुछ अदर्स भी दे सकते हैं. अब उन अदर्स में क्या आता है, हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट दे सकते हैं और उस तरह से हम टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अगर हमने क्या देना हो, रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देने हो, यानी कि हम चाहते हैं कि ये बेशक बना हुआ है ये रिसेप्टर पे ना लगे तो उसका क्या सीन है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लूटामाइड को या उसके रिलेटेड कंपाउंड होते हैं बिक्यूलाटामाइड को या फिर नाइल्यूटामाइड को और एंजियोलाटामाइड वगैरह को. ठीक है, ये नॉन स्टीरॉयडल कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट है एंड्रोजन के रिसेप्टर की. इनको यूज करके एंडोजीनियस एंड्रोजन जो होता है पेशेंट कार्सिनोमा का, उसके इफेक्ट को खत्म किया जाता है. ठीक है, सो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट के तौर पे हम किसको यूज कर सकते हैं, फ्लूटामाइड को. ठीक है, फ्लूटामाइड को और इसके रिलेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे कि बिक्यूलाटामाइड, ठीक है, और नाइल्यूटामाइड और इस तरह का एक और दो बताए हैं बुक के अंदर. सो इनको हम यूज करते हैं और ये क्या करती है, ये रिसेप्टर के ऊपर एंटेगनिस्ट के तौर पर एक्ट करती है और एंड्रोजन को जो एंडोजीनियस एंड्रोजन बना हुआ भी है उसको रिसेप्टर पे लगने नहीं देती. ठीक है, एक ये बात हो गई. दूसरा वो कहता है कि हम स्पायरिनो इलेक्ट्रॉन को भी यूज करते हैं. किसी को जहन में आ रहा है स्पायरिनो इलेक्ट्रॉन क्या है? स्पायरिनो इलेक्ट्रॉन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाइयूरेटिक है और कहीं ना कहीं ये एंड्रोजन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट भी होता है और एंड्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, सो हेयर स्यूटिज्म वगैरह में जहां पे एंड्रोजन का हेयर स्यूटिज्म का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा हो उसमें हम ये दे सकते हैं और उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज है हम सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे. सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए वो कहता है जो आखिरी स्टेप है ना, मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन जो है प्रोस्टेट में आके डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेज. तो अगर हम 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर दें तो टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा और वो इफेक्ट जो डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं वो नहीं आएंगे. हाँ, कुछ ऐसे इफेक्ट जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट वो आते रहेंगे, लेकिन हम खसूसन जो है वो एनाबॉलिक इफेक्ट वगैरह को कम कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है इनमें हमारे पास आइनास्टेराइड भी आता है और ड्यूटास्टेरॉइड्स भी. ठीक है, सो इनमें हमारे पास क्या आता है, आइनास्टेरॉइड्स वगैरह और ड्यूटास्टेरॉइड्स आते हैं. ये ड्यूटास्टेरॉइड्स वगैरह क्या करते हैं, ड्यूटास्टेरॉइड जो है इसी का एनालॉग है, बस इसकी हाफ लाइफ थोड़ी ज्यादा है. सो इनको हम यूज कर सकते हैं बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में भी, क्योंकि प्रोस्टेट में आके ये इसमें कन्वर्ट होता है. जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोस्टेट पैक नहीं करेगा और प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया अगर है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और हेयर स्यूटिज्म को भी हम इसकी वजह से हेयर स्यूटिज्म या हेयर लॉस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन तो नहीं ब्लॉक हुआ, टेस्टोस्टेरॉन तो है, इसलिए टेस्टोस्टेरॉन अगर है तो टेस्टोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो इम्पोटेंस होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफर्टिलिटी होती है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और लिबिडो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी पेशेंट जो है वो फर्टाइल भी रहेगा, इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा और लिबिडो लॉस भी उसमें नहीं होगा. सिर्फ फर्क क्या है कि प्रोस्टेट के अंदर जो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म थी वहां पर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं बनेगा. सो बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया से और हेयर स्यूटिज्म वगैरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है, ये बात हो गई. सो हमने रिसेप्टर एंटेगनिस्ट भी देख लिया और सिंथेसिस एंटेगनिस्ट भी देख लिया. अब इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट यूज कर सकते हैं. अगेन इसके जो एगनिस्ट हैं उसमें हमारे पास वही वाला ल्यूप्रोलाइड आ जाता है और वो ल्यूप्रोलाइड यही करता है कि इसको एक्सेसिव इंड्यूस कराने से डिसेंसिटाइज कर देता है और फिर इसकी सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है. सेम एज एंटेगनिस्ट के तौर पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था एंटेगनिस्ट के तौर पर हम एबरेलेक्स और दिगरेलेक्स दे सकते हैं. ठीक है, फ्लू